शॉट दे दो फैंस को, सब हाई बोल दो। अरे गाइस सबसे पहले AK27 लाइव को सब्सक्राइब करो एंड देखो यार टाउन ऑन टाइम के बेस्ट अटैक्स करता है, तो सब्सक्राइब करो सभी लोग। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के एक ऑसम वीडियो में। और ये मेरी पता नहीं पहली ब्लॉग होने जा रही है। मैं जा रहा हूँ गाइस सुमित 007, ऑफकोर्स सुमित भाई जिसको मतलब आप यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हो, उनको मिलने जा रहा हूँ। पता नहीं मॉर्निंग में ही उठ गया था, कल मैं गया लेकिन गाइज मेल का रिस्पॉन्ड नहीं मिला, दैट्स वाई कल हम नहीं जा पाए। एंड आज मैं जा रहा हूँ सुमित भाई से मिलने, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मतलब गाइज आप देख ही सकते हो, मतलब आप जिस बंदे के ब्लाइंडली कितने सालों से या फिर कितने मंथ से वीडियो देख रहे हो, जिनको आप हार्डली फॉलो करते हो, उस बंदे को मिलना मतलब कितना एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है। एंड मैं सुबह सुबह ही निकल पड़ा हूँ, मैं कल जाने वाला था, कल मेल का रिप्लाई नहीं आया। सो जैसे ही कल शाम को मेरे को मेल का रिप्लाई आया कि भाई आ जा तू मिलने, सो मैं अभी निकल पड़ा हूँ मिलने। मॉर्निंग का ही टाइम है गाइज एंड अभी हो रहा है 7:30। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ऑफकोर्स फर्स्ट व्लॉग वीडियो है, मतलब ऐसे ही मैं जस्ट जाते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो गूगल मैप पे मेरे को दिखा कि यार रिवर साइड से जाने वाला था मैं, मतलब रिवर साइड से दिख रहा था कि अभी हम रिवर क्रॉस करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या वाले ने कैसे चेंज कर दिया रूट और हम नहीं ले पाए। ये जो आगे आपको दिख रहा है वहाँ से हम अगर जाते तो फिर रिवर क्रॉस कर देते, लेकिन नहीं कर पाए ऑफकोर्स। लेकिन एक्साइटिंग बात ये थी कि आप जिस बंदे को कब से फॉलो कर रहे हो, सालों से उनके वीडियोस देख रहे हो, और आज मतलब उनकी वॉइस आप सुनते हो वीडियो में, और आज मैं उनसे मिलने वाला था। सो ऑफकोर्स एक्साइटमेंट की जो लेवल थी वो एकदम हाई पे थी। एंड जैसे ही मैं स्पॉट पे पहुंचने लगा था, मैंने सुमित भाई को मैसेज कर दिया कि यार गुड मॉर्निंग, ऑफकोर्स मॉर्निंग थी तो मैंने मैसेज कर दिया गुड मॉर्निंग भाई और मैं आ चुका हूँ, सो अगर आप उठे होंगे तो रिस्पॉन्ड करो। एंड मैं तो बस जैसे ही मैं उनके एरिया में पहुंचा, मैंने देखा कि वहाँ पे एक इंसेन ब्रिज है एंड वहाँ से नीचे से रिवर है, ऑफकोर्स रेनी सीजन है। सो मैंने वहाँ पे पहुँच गया जो कैप्चर करने के लिए, सो मैंने अपने कैमरा में थोड़ा सा कैप्चर कर लिया कि बहुत सही सीन था। एंड मैं जिस ब्रिज पे था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, एंड मैं जाके मतलब शूट कर लिया, कुछ पिक्चर्स भी कलेक्ट किए। एंड जैसे ही मैं गया एंड थोड़ा सा मैं स्ट्रीट बेंचेस थे वहाँ पे, जैसे ही मैं बैठा मेरे को कुछ बहुत मतलब ख़तरनाक वाली चीज़ मिली, सुमित भाई का रिप्लाई आ गया कि यार भाई रुक जा मैं आ ही रहा हूँ बस। एंड मैंने जब उनका टेक्स्ट रिप्लाई आया मैं बस वेट कर रहा था एंड देख रहा था कि क्या हो रहा है बस। एंड वहाँ पे ही बैठ गया था मैं, स्टैंड था वहाँ पे एंड वेट कर रहा था कि कब आएंगे भाई। भाई ने रियली मतलब बहुत ज़्यादा वेट करवाया, ऑलमोस्ट एक घंटा वेट करा मैंने। 8:30 को पहुंचा मैं एंड पता नहीं क्या कर रहे थे सुमित भाई, लेकिन पहुंच गया। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, मैं दिमाग में क्या क्या चल रहा था, मैं इतना ज़्यादा सोच रहा था, इतने थॉट्स आ रहे थे कि एक घंटा मतलब जब मैंने वॉच देखी ना तब मेरा दिमाग चकरा गया कि भाई एक घंटा गुजर गया। सच में मैंने एक घंटा वेट किया। मैं बहुत अनपेशेंट आदमी हूँ, मतलब पेशेंस नहीं है मेरे पास, एंड फिर भी मैंने एक घंटा वेट कर लिया। और चलो वेट तो कर लिया था, डेस्टिनेशन फिक्स था, सुमित भाई से आज मिल के ही जाना है भाई। एंड सुमित भाई भी आ रहे थे एंड जब उन्होंने, इसके बीच में भी एक और सीन हो गया कि वहाँ पे जो एक रेसिडेंसी का नाम मैंने बता दिया उनको कि यार इसके सामने मैं खड़ा हूँ, एंड ब्रिज के इस साइड एंड उस साइड दोनों साइड में वो रेसिडेंसी थी। सो मैं मतलब वो उस साइड वाले रेसिडेंसी के सामने चले गए और उसके एग्जैक्टली 3 किलोमीटर्स अवे ब्रिज के इस साइड में वही रेसिडेंसी विथ सेम नेम इस साइड में थी। सो उनको 3 किलोमीटर फिर से इस साइड में आना पड़ा जब मैंने अपनी लोकेशन शेयर की तो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंसेंट था। एंड यही वो लोकेशन है जहाँ से मैं वेट कर रहा था कि यार सुमित भाई अब आएंगे, कब आएंगे। एंड एक्साइटमेंट में मैं बहुत सारे सोच विचार भी कर रहा था कि अगर सुमित भाई रेडी होंगे तो फिर हम कुछ फन क्लिप बनाएंगे या फिर कितने मजा आएंगे, सुमित एक्चुअली दिखता कैसा होगा, आवाज़ तो बहुत सही है बंदे की, एटीट्यूड एंड पैशन तो खतरनाक है। लेकिन अब देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और ऑफकोर्स बाइक से आ रहा था वो। एंड आप जिस बंदे को हार्डली फॉलो करते हो, बहुत सारे दिनों से उनकी वीडियोज़ देख रहे हो, तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है यार कि मतलब आपको जानना है उस बंदे के हर
हर चीज़ के बारे में जानना है। वो पता नहीं मैं क्या क्या क्वेश्चंस करूँगा और उसको देखते ही मेरी रिएक्शन क्या होगी, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसेन होने वाली थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बस, और कुछ नहीं पता मेरे को। ऑलमोस्ट मेरे से 100 मीटर्स की डिस्टेंस पे सुमित भाई थे और जब वो मतलब मेरे को दिखे मैं कैप्चर नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दिस वन, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब आंखें फट गई और दूर से हाथ हिलाने लग गया। सेम मेरी रिएक्शन थी, सुमित भाई ने पिकअप किया, मैं उनकी बाइक पे बैठा, हम ढूंढ ही रहे थे कि यार कोई शॉप ऑन मिल जाए, लेकिन मॉर्निंग पे जस्ट 9 AM हो रहे थे एंड उस दिन छुट्टी भी थी, सो मतलब मोस्ट ऑफ द जो शॉप्स थे वो सब बंद थे एंड लाइक हमें बहुत हार्ड गया दुकान ढूंढने के लिए जहाँ पे हमें कुछ बैठने की स्पेस मिल जाए और कुछ ट्रीट सुमित भाई मेरे को देना चाहते थे, बस उसके लिए हम वेट कर रहे थे कि कोई शॉप ऑन मिल जाए, बस हम गए वहाँ पे एंड लाइक कुछ खाया वाया, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर किए, थोड़े से मज़े किए, ले मेरे भाई हार्ट बीट बंद ही नहीं हो रही थी। उसके बाद में जस्ट उसके बाद में हम कहीं पे बाहर गए एंड लाइक ये हियर आर द मराठी बॉयज गाइस, और ये बोला सुमित भाई ने। अरे गाइस सबसे पहले AK27 लाइव को सब्सक्राइब करो एंड देखो यार टॉनल टन के बेस्ट अटैक्स करता है, तो सब्सक्राइब करो सभी लोग, मिलेंगे कम्युनिटी आगे बढ़ाएंगे सब लोग मिलके। यहाँ पे हम थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ी सी क्लिप, छोटी सी क्लिप कैप्चर कर ली क्योंकि मैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बंदा मिला मुझसे यही बहुत बड़ी बात हो गई एंड लाइक उसके बाद में इतना अच्छा और इतना पोलाइट बंदा है, लाइक सच में क्या बताऊँ गाइस भाई। बाद में वो मेरे को ड्रॉप भी करने के लिए बोल रहा है कि चल भाई मैं तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ, उसने मेरे को ड्रॉप भी कर दिया भाई, इससे ज़्यादा ज़िंदगी से क्या चाहिए, मतलब लाइक सच में सारी एक्सपेक्टेशन 110% ट्रू हो गई, जितनी थी उससे बहुत ज़्यादा एंड एक 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 सरप्राइज तो मैं भूलना भूल ही गया गाइस। लाइक जब हम वहाँ पे बैठे उन्होंने ट्रीट स्टार्ट की एंड उन्होंने कुछ जेब से निकाला और मेरे लिए गिफ्ट था वो एंड लाइक मैं पूरा आंखें फट गई एंड मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई ये क्या हो गया, उसने मेरे को गाइस कुछ गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या है, सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो एंड लाइक जब मैं मतलब ख़त्म हो गया हमारा एंजॉय कर लिया हमने, लाइक वाइज 45 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए थे सुमित भाई को मिले एंड हमने लाइक 40-45 मिनट्स साथ में स्पेंड किए, बहुत ज़्यादा मज़ा था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक्साइटिंग था, उनके बाइक पे तो मैं बहुत घूमा एंड लाइक यही थी आज की वीडियो, बस यही ख़त्म करो अब तो सुमित भाई ने भी बोल दिया यार सब्सक्राइब कर दो AK27 लाइव को और बने रहो अपने साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।